दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। दोस्तों स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल, इन चैनल्स का डीडी फ्रीडिश सेटअप बॉक्स पर लॉन्च होना अब असंभव सा लगता है और इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस भी हैं दोस्तों, जेन्युइन रीजंस हैं जिनके कारण कि डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर ये चार चैनल्स अब वापसी के लिए कोशिश भी नहीं करते। तो दोस्तों वो क्या कारण हैं जो डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म से ये चैनल्स बंद हुए और बंद होने के काफ़ी समय हो गए दोस्तों, अभी तक ये चैनल्स वापस से कितने सारे भी ई ऑक्शंस बीत जाने के बाद डीडी फ्रीडिश सेटअप बॉक्स पर लॉन्च नहीं हुए। तो दोस्तों 81st ई ऑक्शन का अनाउंसमेंट प्रसार भारती की तरफ से किया गया है MPG2 वैकेंट स्लॉट्स के लिए। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चैनल्स को प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके, और जो भी वहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स स्लॉट जीतेंगे वो डीडी फ्रीडिश के MPG2 में जो वैकेंट स्लॉट्स हैं वहाँ पर चैनल्स को प्लेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात आती है, क्या स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल इनमें से कोई एक या दो चैनल वापसी कर रहा है या कोई भी चैनल वापसी नहीं कर रहा है? दोस्तों असंभव सा ही लगता है, क्योंकि दोस्तों इस बार के ई ऑक्शन में भी उम्मीद काफ़ी कम है कि जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके ये चार चैनल्स हैं कोई चैनल वापसी करे। तो दोस्तों इसके पीछे हैं बड़े कारण और उन्हीं कारणों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या वो रीजंस हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तीन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं और यही वो तीन बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर वापसी नहीं कर पा रहे हैं ये चार चैनल्स जो कि चार बड़े ब्रॉडकास्टर्स के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो डीडी फ्रीडिश की पॉपुलरिटी है वो भी एक बड़ा कारण है। अब आप समझेंगे दोस्तों कि ये बड़ा कारण कैसे है। तो दोस्तों लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर बेस डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म का हो गया है और इसमें कुछ हद तक योगदान इन चार बड़े चैनल्स का भी है, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल। काफ़ी समय से दोस्तों ये चारों चैनल डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर बने हुए थे। MPG2 की ऑक्शन होती थी एनुअल, उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे और काफ़ी समय तक कंटिन्यू रहते थे। लेकिन दोस्तों मार्च 2022 के बाद से ये चैनल्स डीडी फ्रीडिश पर काफ़ी सारे ऑप्शन होने के बाद भी वापसी नहीं कर पाए, लेकिन तब तक डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म की जो पॉपुलैरिटी है वो इतना गेन कर गई थी कि अब इन चैनल्स के होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता डीडी फ्रीडिश सेटअप बॉक्स की पॉपुलैरिटी में। दूसरा दोस्तों DPUs के प्रेशर ब्रॉडकास्टर्स पर, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं दोस्तों जो ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स को हम तक पहुँचाते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स में केबल TV नेटवर्क के ऑपरेटर्स भी आते हैं और DTH ऑपरेटर्स भी आते हैं। उनका भी ये कहना था कि अगर डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर ये चारों चैनल्स बने रहे तो फिर डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही सब्सक्राइबर गेन करता जाएगा और वो जो सब्सक्राइबर बेस है वो पे सब्सक्राइबर बेस खिसकेगा तो नुकसान होना तय है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखा ब्रॉडकास्टर्स ने और वापस लिया इन चारों चैनल्स को डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म से। अब बात करते हैं दोस्तों पेड DTH सब्सक्राइबर्स बेस को बढ़ाने की दिशा में भी एक कदम है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉडकास्टर्स भी समझ रहे हैं कि भले ही रेवेन्यू का इनको फ़ायदा हो सकता है डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर अगर ये चारों चैनल्स आते हैं तो, लेकिन जो पे सब्सक्राइबर बेस है अगर वो बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली फ़ायदा ब्रॉडकास्टर्स को ही होने वाला है। वो चाहे केबल TV पे सब्सक्राइबर बेस बढ़े या फिर जो DTH पे सब्सक्राइबर बेस बढ़े, दोस्तों इसका फ़ायदा भी कुछ हद तक हुआ है क्योंकि काफ़ी समय से ये चारों चैनल्स डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यही है कि जो पेड DTH सब्सक्राइबर बेस है उनको बना करके रखने के लिए और उनके जो पेड DTH सब्सक्राइबर बेस है उनमें बढ़ोतरी हो सके उसके लिए दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स का ये कड़ा कदम है डीडी फ्रीडिश सेटअप बॉक्स पर, इसलिए ये चारों चैनल्स उपलब्ध नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई।